संसद में दोनों सदनों के सभापतियों ने सांसदों से अपील की है कि वो मास्क लगाकर ही सदन में आएं और नियमों का पालन करें। आम आदमी पार्टी की ओर से कोरोना को लेकर सदन में चर्चा कराने की मांग भी की गई, मगर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कोरोना का जानबूझकर डर जताया जा रहा है। मेरा आप सभी माननीय सदस्यों आग्रह है, हम सभी उन सुरक्षा उपायों का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें। आई अर्ज ऑल ऑफ यू वेयर मास्क इनसाइड द हाउस एज वेल। और हम इस सतर्कता का स्वागत करते हैं। फिर लौटा है वो समय जब आदमी के चेहरे पर मास्क अनिवार्य होता था, जान बचाने का जरिया यही मास्क था, इसी पर टिकी थी सांसों की गठरी, यही था बीमारी से बचने का सर्वसुलभ समाधान। फिर लौटा है मास्क, फिर लौटे हैं मास्क वाले पुराने दिन। आशंका है कि फिर लौट रहे हैं वो दिन जिन्होंने पूरी दयार को दहशत में डाल दिया था। फिर लौट रहे हैं वो दिन जब आदमी आदमी से दूर भागता था। फिर लौट रहे हैं वो दिन जब आदमी आदमी के लिए ही अछूत हो गया था। फिर लौट रहे हैं वो दिन। चीन का किया धरा फिर दुनिया झेलने के लिए तैयार हो रही है। संसद की तस्वीरें देखिए, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति आज मास्क में नजर आए। पीएम मोदी भी मास्क लगाकर राज्यसभा पहुंचे। दोनों सदनों के अध्यक्षों ने सांसदों से मास्क पहनने की अपील की। मेरा आप सभी माननीय सदस्यों आग्रह है, हम सभी उन सुरक्षा उपायों का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें तथा इस संबंध में जन जागरूकता फैलाने में अपना योगदान दें। ऑनरेबल मेंबर्स, करेंटली सिचुएशन ऑफ कोविड इज गेटिंग अलार्मिंग। वी नीड टू बी विजिलेंट एंड टेक all precautionary steps including wearing masks, use of sanitizers and social distancing। मास्क वापस लौट आया है और अपने साथ लाया है कोरोना की वो दहशत जिससे दो चार हुआ था देश, जिसने देश को बेचारा बना दिया था। हर आदमी बेबस था उस वायरस से लड़ने में जिसका नाम कोरोना था। जब सदन में घुसे तो गेट पर ही, अंदर जहां सदन में घुसते हैं वहीं मास्क रखे हुए थे और स्टाफ लगे हुए थे, भाई साहब मास्क पहन के ही जाना है बहन जी, तो हमने उसको पहन लिया है और हम इस सतर्कता का स्वागत करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जी भी आज मास्क पहन के ही आए और सभी सदस्यों ने इसका सम्मान किया, पक्ष विपक्ष सबने किया। अब जब दोबारा कोरोना फैलने की आशंका हुई है तो सबसे जरूरी है सावधान होना, सबसे जरूरी है सतर्क रहना, सबसे जरूरी है नियमों को मानना। लेकिन इसी के साथ कोरोना पर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि ये डर कोविड का नहीं है बल्कि डर कुछ और है। मैम, एक बड़ी बैठक आज पीएम मोदी ने बुलाई है, इसमें हेल्थ मिनिस्टर भी शामिल होंगे, आप कैसे देखते हैं, कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, क्या पब्लिक इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई है इंडिया के अंदर? देखिए, मैं कहूंगी कि अगर अभी सिर्फ चाइना में हुआ है और चाइना में जो प्रतिरोध क्षमता होती है, इम्यूनिटी होती है, वो 30% है। आज ही पेपर में आया कि आईआईटी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं कि 98% जो हमारे देश का ये इम्यूनिटी सिस्टम है वो ऑल ओवर इंडिया में 98% सारे लोगों के बॉडी में बना हुआ है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कोविड पर राजनीति बीजेपी का काम है। पूरी तरह से अलर्ट हैं और अलर्ट सरकार को भी करते रहे, ना केवल कोविड के लिए, ना केवल चीन के लिए, ना केवल पाकिस्तान के लिए, ना केवल बेरोजगारी के लिए, हम सदैव सरकार को समय से पहले आगाह करते रहते हैं। सरकार सोती रहती, अब राजनीति करने में सरकार सबसे आगे रहती, करने दीजिए राजनीति। कांग्रेस तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि कोविड की आशंका भी है, नई लहर भी आ सकती है। वो तो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री हमारी चिंता ना करें। ये नौबत आते हैं ना तो सबसे पहले राहुल गांधी जी सामने आकर ये सरकार को सचेत करेंगे। हमारे स्वास्थ्य मंत्री की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य मंत्री अगर इसमें अगर ज्यादा ध्यान देते
तो हमें ब्यौरा देना चाहिए था। उधर आम आदमी पार्टी ने कोरोना को लेकर संसद में चर्चा की मांग कर डाली। नया वेरिएंट, सब वेरिएंट ओमिक्रॉन का, जिसे BF.7 बोला जा रहा है, वो चीन में बुरी तरीके से फैल चुका है। जो वीडियोस और जो अखबारों के माध्यम से पता लग रहा है, जो तस्वीरें चीन में उत्पन्न हो रही हैं, उनसे नज़र आ रहा है कि इस नए वेरिएंट ने त्राहिमाम त्राहिमाम मचा दिया पूरे चीन में। आज भारत को और भारत सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस वेरिएंट से लड़ने के लिए पूरी मुस्तैदी से आज कई ठोस कदम उठाने पड़े और तमाम सरकारें सरकार का साथ इस लड़ाई में देंगी। हमारी सरकारें पंजाब की, दिल्ली की, पूरी तरीके से इस लड़ाई में सबके साथ है। सच्चाई यही है कि इस वक्त सियासत से ज्यादा सावधानी की जरूरत है, क्योंकि देश ने देखा है कोरोना का वो भीषण मंजर जब मौत का साया था। सियासत से महामारी पर काबू नहीं पाया जा सकेगा, बल्कि देश का नुकसान होगा। हमारे नेताओं को भी इस बात को समझने की जरूरत है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह और राहुल गौतम के साथ आज तक ब्यूरो।